हॉलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो में अगर बात करें, हमने डिस्कस किया था वीक केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। वहां पे हमने आपको इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताया था, जहां पे बात किया था इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आपके कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते थे, पहला हमने बात किया था स्ट्रांग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और दूसरा हमने बात किया था वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वंडर वाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे भैया? वंडर वाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब वंडर वाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में अगर हम बात करें, यह आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो अब इन तीन प्रकार का इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, अब यहाँ पे देखिए, अगर तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, ए जहां पे अगर हम बात करें, पहला हमारा होता है डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। बी हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। थर्ड हम लोग बात करेंगे सी इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब ये देखिए, ये आपके तीन वंडरवाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम लोग बात करेंगे नॉन वंडरवाल फोर्सेस। भैया नॉन वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। यहां पे हम लोग दो प्रकार के फोर्सेस पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे आयन डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। थर्ड और लास्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जहां पे हम लोग काफी डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिस्कशन करेंगे। यहां पे फर्स्ट पॉइंट ए की बात करें, ये क्या होते हैं, अगर यहां पे बात करें, ये आपका क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बी क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इतने प्रकार के हम लोग बॉन्डिंग्स की वन बाय वन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वीक केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं। वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में हमने बात किया था कि वीक केमिकल फोर्सेस की अगर बात करें, जो मॉलिक्यूल्स कोई भी ले लें, एक ए टू ले लें और एक बी टू ले लें। यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है भैया? एक प्रकार का इंट्रैक्शन पाया जाता है। अब यह इंट्रैक्शन आपका वीक भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है। अब ये इंट्रैक्शन वीक है या स्ट्रांग है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम किसी भी बॉन्ड को देख के ये नहीं बता सकते ये क्या है, वीक बॉन्ड है या स्ट्रांग बॉन्ड है। हम लोग इसकी क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, जब हमारा ए टू और बी टू के साथ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, देन हमारा कितना बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। देन कितनी बॉन्ड एनर्जी हमारी रिलीज होगी, और जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी वही डिसाइड करेगा यह बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में है या फिर वीक बॉन्ड की कैटेगरी में है। अब बात करते हैं, अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा हमारा वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल से अधिक होगा। कितना भैया? 200 किलो जूल से अधिक। और अगर हमारा वीक बॉन्ड होगा, ये आपका 5 किलो जूल पर मोल से लेके आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये आपकी 30 किलो जूल पर मोल के अंदर होगी। यहीं से हम बताएंगे ये बॉन्ड आपका स्ट्रांग है और ये बॉन्ड क्या है, वीक है। क्योंकि अब हमें पढ़ना क्या है, वीक, इसलिए जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होगी वो किस कैटेगरी के अंदर में होगी, ये हमारी क्या होगी, 5 किलो जूल पर मोल टू 10 किलो जूल पर मोल। तो हम बात कर सकते हैं कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो जब दो किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो वो क्या हो, हमारा 5 किलो जूल पर मोल से लेके अगर 30 किलो जूल पर मोल के एनर्जी के बीच हमें उस वहां पे एनर्जी मिलती है, देन हम क्या कहेंगे, वह हमारी वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए वीक बॉन्ड में अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भैया, वंडरवाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए वंडरवाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग तीन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और लास्ट होगा इंड्यूस डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट हमारा क्या है, डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब देखिए ये डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है भैया, डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। कभी भी अगर हम बात करते हैं डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे देखो अगर हम डायपोल की बात करें तो कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल कब एग्जिस्ट करेगी, तो डायपोल तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, पोलर होगा। हाँ,
अगर ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, ये भी मॉलिक्यूल तुम्हारा पोलर होगा, यह भी मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा भैया, पोलर होगा। अब हम बात करेंगे जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जिस प्रकार का इंटरेक्शन होगा वही तो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन वही होगा, वही हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल भैया HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, हाँ ये सब हमारे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहां पे अगर देखो पोलर मॉलिक्यूल, अब यहां पे देखो सबसे पहले बात करते हैं वंडरवाल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से, वंडरवाल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। अगर हम बात करें जो वंडरवाल फोर्सेस होता है, उन्होंने वंडरवाल ने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनके पास भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, वह भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, और उसी अट्रैक्शन को इन्होंने इसके थ्रू प्रूफ किया, उन्होंने इसके थ्रू प्रूफ किया, इसीलिए इसका नाम हो गया वंडरवाल फोर्सेस, क्योंकि ये वंडरवाल के ही द्वारा बताया गया कि जो दो पोलर मॉलिक्यूल या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो भी आपस में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो भी एक दूसरे से डिसोसिएट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ये किसने बताया था, वंडरवाल ने बताया था। इसीलिए जब कभी भी अगर वंडरवाल फोर्सेस की नाम आती है तो हम तीन प्रकार के फोर्सेस की बात करते हैं, डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब यहां पे देखिए दो पोलर मॉलिक्यूल HCl, अब बात कर देते हैं जैसे एक कंटेनर ले लें, एक कंटेनर ले लें, या अगर हम बात कर दें उस कंटेनर में हमने ले लिया एक जग, एक क्या ले लिया बढ़िया सा जग ले लिया। अब ये देखिए ये जग हमने ले लिया, एक हमने जग ले लिया। अब इस जग में हमने क्या कर दिया, इस जग में हमने क्या काम कर दिया भैया, इस जग में हमने पानी रख लिया, इस जग में हमने क्या डाल दिया पानी, H2O पानी डाल दिया। अब आपको मालूम है क्योंकि H2O एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, H2O हमारा एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये बताओ जब हमने इस जग में वाटर को डाला तो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल है, ऐसा तो नहीं वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल गया, इसमें तो वाटर के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल गए, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस जग के अंदर आ गए ना। अब ये जब एक दूसरे के अंदर आ गए तो इसका मतलब अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग को प्रैक्टिकल में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और उसका आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हैं। जैसे आप टोटी से पानी को ऑन कर दीजिए, जब आप टोटी से पानी को ऑन करेंगे तो पानी टोटी से इस प्रकार गिरता रहता है, और उसी के बीच में आप अपनी उंगली लगा दीजिए, इसी बीच में आप क्या करेंगे अपनी उंगली लगा देंगे, उंगली लगाने के बाद पानी क्या होगा इधर से आएगा, इधर से आएगा, और कुछ समय के बाद फिर से पानी एक नीचे यहाँ पे एक साथ कंबाइन होकर गिरने लगेगा, क्योंकि आपने उंगली लगाया यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या लाया डिफरेंसेस लाया, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या क्या डिफरेंस क्रिएट किया आपने, लेकिन ये अट्रैक्टिव नेचर होने की वजह से कुछ समय के बाद फिर से क्या हो गया एक साथ नीचे गिरने लगे। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए आपने उंगली लगा के उनके पार्टिकल्स को अलग करने की कोशिश किया, लेकिन उस अट्रैक्टिव नेचर की वजह से, उस अट्रैक्शन नेचर की वजह से यह मॉलिक्यूल फिर से कंबाइन हो गए। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे देख सकते हैं, और अक्सर लोग करते हैं जब आप इसी प्रकार आप क्या हो गए फर्श पे पानी गिरा देते हैं, फर्श पे पानी गिराने के बाद आप देखते हैं अगर पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एक वीक केमिकल फोर्सेस होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो होते नहीं कि जो सबको अट्रैक्ट कर ले, एक वीक केमिकल फोर्सेस होते हैं, और आप देखते हैं अगर कभी भी वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते फैल जाते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा फैल जाते हैं और उनका फोर्सेस कम, या कहीं पर आप देखते हैं अगर ये दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब भी अट्रैक्शन का नेचर रखते हैं, और इसी चीज को वंडरवाल ने प्रूफ किया। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे, अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले HCl की बात करें, देखो ये HCl है और ये भी HCl है ना भैया, क्योंकि ये पोलर नेचर रखते हैं, पोलर नेचर रखने की वजह से अब आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है वो ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या है ज्यादा होगा इसका मतलब या हाइड्रोजन के बीच जो पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी वह इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन क्या करेगा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करे, और जैसे ही खींचेगा इसके पास पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव इसके भी पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव इसके सॉरी नेगेटिव इसके पास भी। हाँ अब ये बताओ अब ये क्या इस मॉलिक्यूल के पास इस सीएल के पास नेगेटिव चार्ज है और इस एच के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं शो करेंगे, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं शो करेंगे, करेंगे ना भैया करेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास HCl का लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, इसी प्रकार HCl के हमारे पास क्या है लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है। अब बताओ यहाँ पे अगर हम बात करें एक प्रकार फिर से हमने HCl मॉलिक्यूल ले लिया, फिर से हमने HCl मॉलिक्यूल ले लिया, अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे एस सी एल ले लिया, तो यहाँ पे सी एल के पास पार्सल नेगेटिव, इस एस के पास पार्सल पॉजिटिव, ये फिर से अपना अट्रैक्शन शो करेगा। हाँ अगर यहाँ पे देखो, अगर आप सी एल एच रखोगे तो यहाँ पे इसके पास पार्सल नेगेटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, ये भी अट्रैक्शन शो करेगा। ये देखो एच और सी एल, ये भी आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। हाँ अगर फर्दर यहाँ पे कोई भी एस सी एल मॉलिक्यूल आ जाए, हाँ एस सी एल, ये भी अट्रैक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव, उसके बाद ये भी अट्रैक्शन शो करेंगे, ये भी अट्रैक्शन शो करेंगे। हाँ कहने का मतलब, और आपको मालूम है जब जितने भी आयनिक फोर्सेस लगते हैं या आयन के टाइप्स के फोर्सेस लगते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये फोर्स हमारा क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल। कहने का मतलब एक एग्जांपल बताएं, ये देखो एच सी एल इस प्रकार रहेगा, एच प्लस और सी एल माइनस। अब इसके पास ढेर सारे इस प्रकार, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ढेर सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल एच सी एल के आपके इस प्रकार सर इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इस प्रकार ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, इस प्रकार से फोर्सेस लग जाएंगे। अब मान लेते हैं इस एच और सी एल को, हमने एक को पार्सल पॉजिटिव और मांगा एक को पार्सल नेगेटिव, तो इसको हम यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास कौन सा मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। एच के पास कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव, एच के पास नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए रखा क्योंकि पूरा एस सी एल लिखने में थोड़ा सा हमको ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, ज्यादा स्ट्रक्चर। इस प्रकार से देखो इंट्रैक्शन शो किया नहीं किया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात कर दें वाटर के मॉलिक्यूल को, ये देखो वाटर का लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, ये देखो वाटर एच और एच, इसके ऊपर क्या है पार्सियल नेगेटिव, इसके पास पार्सियल पॉजिटिव, इसके भी पार्सियल पॉजिटिव। अब बताओ वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास वाटर के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्योंकि आपने इस जग में वाटर डाला, एक दो वाटर थोड़ी डाला, एक लाख करोड़ के मॉलिक्यूल्स डाला, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स डाला। अब सभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। अब जो यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, हाँ फिर यहाँ पे आपका इस प्रकार से, फिर यहाँ पे, हाँ भैया फिर यहाँ पे इस प्रकार से, ये देखो ये क्या करेंगे, अब इसके भी पार्सल नेगेटिव, इसके पास पार्सल नेगेटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव। हाँ भैया अगर ये देखो इसके पास पार्सल नेगेटिव तो इसके पास भी पार्सल पॉजिटिव, इसके पास भी पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल नेगेटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव और पार्सल नेगेटिव। ये देखो अट्रैक्शन शो करेगा नहीं करेगा, ये अट्रैक्शन शो करेगा नहीं करेगा भैया, ये अट्रैक्शन शो करेगा नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो अगर इस एच को थोड़ा सा और हम पास रख दें, यहाँ पे भी देखो अट्रैक्शन हुआ, यहाँ से भी अट्रैक्शन हुआ और यहाँ से भी अट्रैक्शन हुआ, यहाँ से भी अट्रैक्शन हुआ, यहाँ से भी अट्रैक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें नहीं कर रहे हैं। अब इसका भी एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम, यहाँ पे देखो ओ और क्या लिख सकते हैं, एच और एच, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव पार्सल नेगेटिव। इस प्रकार हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ भैया इसी प्रकार हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस प्रकार ऐसे लगते चले जाएं। और यहाँ पे भी क्या हो जाए, जब ऑक्सीजन की बात आएगी यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस प्रकार रखें ऑक्सीजन पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये क्या करें, ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, ये सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और यही आपका डायपोल डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, जहां पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, जहां पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भैया, अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें डायपोल इंड्यूस्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अब नाम से भी क्लियर कर लेंगे। हाँ भैया नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, अगर नाम से नहीं क्लियर हो रहा है तो भी क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, एक हम बात करें डायपोल और दूसरा बात करें इंड्यूस्ड, दूसरा क्या इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखो डायपोल का मतलब ये क्या हो गया, पोलर हो गया, डायपोल का मतलब क्या हो गया पोलर। अब देखो इंड्यूस्ड ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रभावित होना, इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है प्रभावित होना, मतलब पहले यह मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर था, पहले यह मॉलिक्यूल हमारा क्या था नॉन पोलर था, अब लेकिन पहले यह मॉलिक्यूल हमारा क्या था नॉन पोलर, लेकिन जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आया ये क्या हो गया इंड्यूस्ड डायपोल, कहने का मतलब ये क्या है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये देखो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल की बात करें जैसे HCl ले लिया, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बात करें Cl2 हो गया, हाँ पोलर मॉलिक्यूल बात करें HBr हो गया, यहाँ पे Br2 ले लें, यहाँ पे बात कर दें HF, यहाँ पे बात कर दें F2, हाँ ये सब क्या है हमारे पोलर मॉलिक्यूल और ये सब क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर देखो जब कभी भी किसी भी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन शो करेगा उसे हम क्या कहें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल।
अब कैसे अट्रैक्शन शो करेगा? अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर ये बात कर ले, एक ये हमारे पास HCl, HCl के पास पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं? अब हमने ले लिया एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ले लिया Cl और Cl। हाँ, इनिशियली अगर ये बात करें तो जो Cl और Cl है इसके बीच क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन अब फर्दर अगर हम कहें ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव, संभव है? नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो गया तो यहाँ पे हम किसी को भी नहीं कर सकते कि कोई भी एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कर सकते थे क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा थी। अब क्या करेंगे, अब हम आपसे कहते हैं जैसे हम इस क्लोरीन के संपर्क में लाते हैं, अभी इनके बीच किसी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, इसके संपर्क में आएगा, यह इसके संपर्क में आएगा। अब ये बताओ कि यह क्लोरीन इस क्लोरीन के संपर्क में कब आएगा, यह क्लोरीन इस क्लोरीन के संपर्क में क्या, क्या अगर इसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज रख दें तो क्या यह क्लोरीन इस क्लोरीन के संपर्क में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास भी निगेटिव चार्ज है और इसके पास भी निगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करने चलेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल और दूर जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा और दूर जाएगा। अब भैया अब क्या करें, अब हम ये कर दें इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ला दें, इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव। अगर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इसके पास पार्शियल नेगेटिव, देन ये क्या करेगा, यह क्लोरीन इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब क्या हो गया, डिफरेंट नेचर हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट नेचर। और जब डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते, देखते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्लोरीन इसके पास जाएगा, अभी बताओ अगर इसका मतलब क्लोरीन के पास पार्शियल पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को पुश किया किधर, इस क्लोरीन की तरफ। जब इसके तरफ पुश करेगा तो इसके पास क्या गया, पार्शियल नेगेटिव। अब देखो जो पहले Cl2, जो पहले Cl2 क्या था, नॉन पोलर था, इस पे किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं था, लेकिन जैसे ही वो HCl के संपर्क में आया अब उसके पास भी चार्ज आ गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। कहने का मतलब इनिशियली मॉलिक्यूल हमारा क्या था, नॉन पोलर था, बट जैसे ये किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आया ये अपने आप को क्या कर दिया, पोलराइज कर लिया और अपने ऊपर चार्ज का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर लिया, चार्ज का जनरेशन कर लिया। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, नॉन पोलर या कह सकते हैं पोलर नॉन पोलर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, जैसे बात कर HBr को हम किसके संपर्क में लाए, Br2 के संपर्क में लाए। हाँ भैया, ये देखो HBr, ये देखो फर्दर Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो Br के पास पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव। जैसे Br इधर हो गया और Br इधर हो गया, अब क्या हो गया, ब्रोमीन के पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तभी तो इस Br को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तभी क्या करेगा, Br को अट्रैक्ट करेगा। स्टार्टिंग में Br के पास और इस Br के पास किसी प्रकार कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही इस HBr के संपर्क में आया ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ये क्या कहेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। आइए यहाँ पे अगर अगले टॉपिक की बात करें, अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है इंड्यूस्ड डायपोल। अब यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस का मतलब क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भैया बात करते हैं, यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। इसका भी मतलब क्या है हमारा, नॉन पोलर। इसका भी मतलब क्या है, दोनों नॉन पोलर। अब लफड़ा क्या है, लफड़ा भैया अभी तक तो मान लेते थे एक पोलर था एक नॉन पोलर था, काम तो बन गया, लेकिन जब दोनों नॉन पोलर हो गए, मतलब H2 Br2 Cl2 I2, यहाँ भी H2 Br2 I2 Cl2। हाँ, अब ये मॉलिक्यूल आ गया आपस में, टक्कर हो गई। अब टक्कर होने के बाद अब क्या करें, कैसे अट्रैक्शन शो करेंगे भैया, H2 और H2 के बीच कैसे हम अट्रैक्शन को शो करेंगे। ये देखिए ये अट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से इसका नाम भी बदल गया। देखिए इंड्यूस्ड डायपोल को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अगर यहाँ पे नाम बताएं, इसको हम लोग लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, लंदन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से भी जानते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो क्या होता है भैया, इंस्टेंटेनियस डायपोल या लंदन फोर्सेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया H2, अभी हमने H2 ले लिया, हाँ दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये देखो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2 लिया
मान लेते हैं इसी प्रकार था एच टू, दोनों इसी प्रकार। अब बताओ अगर ये एच टू था, अगर ये एच टू था, ये देखो न्यूक्लियस हो गया, ये भी न्यूक्लियस हो गया। इनिशियली भी क्या था, स्टार्टिंग में दोनों के बीच क्या था, चार्ज का सेपरेशन सिमेट्रिकल था भाई। चार्ज का सेपरेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिकल है। चार्ज का सेपरेशन क्या है, सिमेट्रिकल है। हाँ चार्ज का सेपरेशन अगर भाई सिमेट्रिकल है, इसका मतलब अब मॉलिक्यूल्स ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने दोनों को एक कंटेनर में रख दिया, दोनों को हमने क्या कर लिया, एक कंटेनर में रख दिया। अभी बताओ जब कंटेनर में रख दिया, अब मॉलिक्यूल हमारे एच टू के ऐसे ढेर सारे हो गए, ऐसे हमारे ढेर सारे हो गए, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। अब जब इस कंटेनर में एच टू को रखा गया, अभी बताओ आपको मालूम है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन करने की वजह से उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है। अब कोलिजन की वजह से यहाँ पे देखो कोलिजन ही हुआ ना, यहाँ पे देखो HCl और Cl में जब आपस में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन की वजह से क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हो गया, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल था पोलर हो गया। कोलिजन की वजह से अट्रैक्शन, कोलिजन का मतलब अट्रैक्शन, कोलिजन का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन। यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी देखो, यह मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, हाँ यह मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराएगा। अब स्टार्टिंग में जब हमारा मॉलिक्यूल दोनों क्या थे, जब एस टू के फॉर्म में थे, इनका सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। अब देखो स्टार्टिंग में ध्यान रखो, ये मेरा हाथ है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, हाँ दोनों क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम इस दोनों हाथ को रफ करना शुरू कर दें, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जैसे आप यहाँ पे काफी ज्यादा रगड़ेंगे, काफी ज्यादा समय दोनों हाथ हथेली हमारी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हथेली गर्म हो गई, नहीं हो गई, क्यों गर्म हो, क्योंकि जैसे हमने इनको रफ किया उसमें क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। और जब चार्ज जनरेट हुआ तो ये हमारी हथेली क्या हो गई, गर्म हो गई। फिर जैसे हमने अलग कर दिया, हथेली ठंडा हो गई। फिर जब हमने इसको रफ किया, फिर ये गर्म हो गई, फिर हमने नॉर्मल कर दिया, फिर ठंडा हो गया। हाँ कहने का मतलब कोलिजन जैसे हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स थे, जो इसके इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स थे, वो आपस में टकराना शुरू कर दिए। जब टकराना शुरू कर दिए तो हमारा क्या हो गया, चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। उसी प्रकार जब हमारा इस H2 का मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में, इसका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार था, सब इसी प्रकार थे। अब जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने की वजह से क्या होगा भैया, चार्ज हमारा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और जैसी फोर्स लगाएंगे देन इनके पास चार्ज का सेपरेशन। मान लेते हैं अगर इसमें थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, एक तरफ हमने नेगेटिव रख दिया, एक तरफ हमने पॉजिटिव रख दिया, हाँ यहाँ पे देखो नेगेटिव और यहाँ पे हमने पॉजिटिव रख दिया, हाँ। लेकिन अब बताओ ये जब टकराएंगे आपस में, परमानेंट टकराने के बाद एक समय ये आएगा, ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, ये देखो अब यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव चार्जेस थे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे, अब इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, और जैसे ये आएगा ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। और ये अट्रैक्शन क्या होता है, इंस्टेंट टाइम के लिए होता है, क्षणिक समय के लिए होता है, इसलिए इससे इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से भी जानते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अट्रैक्शन क्या है, क्षणिक है। जब तक हमने हाथ को रफ किया तब तक गर्म, हाथ छोड़ दिया हाथ ठंडा हो गया, इंस्टेंटेनियस। जब तक रफ करेंगे, जब तक कोलिजन होगा, तभी तक ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप एक दूसरे को अलग हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, अपने फोर्स को लॉस कर देंगे, अपने अट्रैक्शन को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। इसलिए ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक इंस्टेंट टाइम के लिए ही होता है, यह एक इंस्टेंट टाइम के लिए होता है, इसलिए इसका क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। समझ आई भाई, इसमें हमने तीन प्रकार के फोर्सेस बात की, जो कि हमारे, अच्छा ये सब जो स्टडी होती है, ये तीनों स्टडी वंडरवाल साहब ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो अब आपको, हमको लगता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, लंडन फोर्सेस क्या होता है, या इंस्टेंटेनियस डायपोल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन वंडरवाल फोर्सेस। नॉन वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, अगर हम बात करें, देखो नॉन वंडरवाल फोर्सेस में आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पहला हमारा क्या होने वाला है, हेडिंग नॉन आयन डायपोल, क्या है पहला भैया, आयन डायपोल। अब देखो भैया अगर आयन डायपोल आपको समझ में आ रहा है नाम से, यहाँ पे देखो एक आयन ले लेते हैं और दूसरा डायपोल। अब देखो आयन का मतलब क्या हो गया, ये केटायन भी हो सकता है और ये भैया एनायन भी हो सकता है, और डायपोल का मतलब ये क्या हो गया, हमारा कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। अब केटायन का मतलब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज, चाहे हम ले लें Na+ ले लें, चाहे
Mg 2 प्लस ले लें, चाहे आप Ca 2 प्लस ले लें, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, K प्लस ले लीजिए। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज की बात करें, निगेटिवली चार्ज में Cl माइनस ले लीजिए, F माइनस ले लीजिए, O 2 माइनस ले लीजिए, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ले लीजिए। पोलर मॉलिक्यूल कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए, एच एफ ले लीजिए, एस सी एल ले लीजिए, एच बी आर ले लीजिए, एच आई ले लीजिए। हाँ, अब ये बताओ, जैसे फिर हमने क्या कर लिया, एक तरफ क्या ले लिया, एन ए प्लस ले लिया, अब दूसरी तरफ एच एफ ले लिया, एच एफ के ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लिया, आपको करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल ले लिया। अब बताओ एच एफ या एच एफ, या आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताया एन ए सी एल सॉल्ट, एन ए सी एल, ये बताओ एन ए सी एल देखा है ना, टाटा नमक, देश का नमक, खाएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी प्रकार एन ए सी एल हो गया। अभी बताओ एन ए सी एल जब आप मॉल्टिंग स्टेट में लेके जाते हो, जब आप मॉल्टिंग स्टेट में लेके जाते हो तो एन ए सी एल क्या होता है, इसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। किसमें, इसमें भैया एन ए प्लस और सी एल माइनस, एन ए प्लस और सी एल माइनस। इसी प्रकार अब देखो, अगर आपने इस प्रकार मॉलिक्यूल ले लिया, अगर ये ब्रेक हुआ एन ए प्लस में, तो क्या अभी इसके पास हो सकते कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हों, कुछ ब्रेक ना हुए हों, कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हों और कुछ ब्रेक ना हुए हों, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि आपने एक बार हीट करना शुरू किया सभी मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेक हो गए हो, नहीं। अभी बताओ अगर ये एन ए प्लस है, इसके अट्रैक्ट कौन होगा, इससे वही अट्रैक्ट होगा जिसके पास निगेटिवली चार्ज होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज किसके होगा, ये देखो एच एफ में एच और एफ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये देखो इनके बीच अट्रैक्शन शो होगा नहीं होगा, ये देखो एच एफ एच एंड एफ, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, अट्रैक्शन शो की नहीं किए, ये देखो एच एफ, अगर हम बात करें एच एंड एफ, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये देखो अट्रैक्शन शो किया कि नहीं किया, ये देखो एच एफ है, यहाँ पे एफ एंड एच, अट्रैक्शन शो किया कि नहीं किया भैया, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये देखो एच एंड एफ, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, अट्रैक्शन शो किया कि नहीं किया। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जो अट्रैक्शन शो होगा वो आपका पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ये देखो सभी एन ए प्लस मॉलिक्यूल्स को फ्लोरिन के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसे को क्या कहेंगे, आयन डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब कभी भी किसी भी आयन और किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस लगते हैं, जब किसी भी आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस लगते हैं उसे हम क्या करते हैं, आयन डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, हाँ क्या करें, एन ए प्लस और सी एल माइनस, सी एल माइनस के सभी पार्टिकल्स इस प्रकार अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी एल माइनस एन ए प्लस, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार आप यहाँ भी ला सकते हो सी एल माइनस एन ए प्लस, लो इस प्रकार सारा अट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी प्रकार एक ऊपर से भी कर दो सी एल माइनस, हाँ और एन ए प्लस, अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से सभी एन ए प्लस के मॉलिक्यूल सी एल माइनस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपको क्या हो गया, अब इसकी जो स्टडी की थी वंडर वाल्स आपने नहीं की थी, इसलिए इसका नाम क्या गया, नॉन वंडर वाल फोर्सेस। अब नेक्स्ट होगा आयन डाइपोल, क्या लिख दें, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो आयन मतलब फर्दर, कोई भी हम एनायन की बात कर लें, चाहे हम कोई भी केटायन की बात कर लें, हाँ भैया। अब इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच बात कर लें। अब आप तो स्मार्ट हो ही गए होंगे, अब आप यहाँ पे स्मार्ट तो हो ही गए होंगे इतना, क्योंकि हम लोगों ने डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल को पढ़ा, तो आपने समझ गए होंगे कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो जाएगा। कैसे भैया, कोई भी यहाँ पे केटायन का केस ले लेते हैं, हाँ भैया कोई भी केटायन ले लेते मान लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी एस सी एल के मॉलिक्यूल हैं, हाँ भैया एस सी एल के मॉलिक्यूल हैं। अब सॉरी, पहले यहाँ पे सी एल माइनस लिखते हैं, यहाँ पे सी एल माइनस क्योंकि एक केटायन ले लेते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल सी एल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सी एल टू ले लेते हैं, अगर बी आर माइनस ले लेते हैं बी आर टू ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आई माइनस की, यहाँ पे आई टू ले लेते हैं। अब फिर से एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें क्या ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास बी आर टू के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बी आर माइनस है ना। अब बताओ एक बी आर का माइनस मॉलिक्यूल है, अब इसके पास बी आर इस प्रकार सब अट्रैक्ट किए हैं, बी आर, हाँ भैया बी आर के सभी मॉलिक्यूल इसी प्रकार इसको सब घिरे हुए हैं, है कि नहीं, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ सभी इस प्रकार बी आर के मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट हैं, ये देखो बी आर। अब ये बताओ यह बी आर माइनस, यह बी आर माइनस इस मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करेगा, जब इस बी आर के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब भैया यह जब बी आर के पास क्या होगा, बी आर और बी आर, यह बी आर माइनस मॉलिक्यूल इसके संपर्क में तभी जाएगा जब इसके पास पार्शियल पॉजिटिव,
ये होगा और इसके पास पार्शियल निगेटिव। जब पार्शियल पॉजिटिव होगा ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो यही इंट्रैक्शन हमको चाहिए और यही इंट्रैक्शन हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये देखो एक प्रकार से इंट्रैक्शन इस प्रकार मिला, इसके पास क्या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, ये देखो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल सॉरी पार्शियल निगेटिव इधर लीजिए, पार्शियल पॉजिटिव इधर लीजिए, इस प्रकार से सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यही आपका क्या हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इंड्यूस डायपोल। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बीआर के पास क्या किसी प्रकार का चार्ज का सेपरेशन था क्या, नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बीआर माइनस के संपर्क में आया ये क्या हो गया पोलराइज हो गया, ये क्या हो गया पोलराइज हो, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया आयन इंड्यूस डायपोल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी के साथ आज हम अपने इस टॉपिक को क्या करेंगे आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए हमने कंप्लीट एक वीडियो फिर से बनाएंगे जहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पे अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यदि वीडियो को पसंद आएगी तो आप सभी फ्रेंड्स के साथ लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आए देन हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी हम उसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।